हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक यू आर वाचिंग एड ऑनलाइन अ चैनल फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर आई कंटिन्यू करते हैं चैप्टर सिक्स ट्रैंगल्स और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट फाइव के क्वेश्चन नंबर सेवन एंड एट पर तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्या दिया हुआ है हमें इसमें और क्या हमें प्रूव करना है या फाइंड करना है प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दाइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डाइगनल्स किसी भी रोमबस के साइड्स के स्क्वायर का सम उस रोमबस के डाइगनल्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है ये हमें प्रूव करना है सो रोमबस इसके लिए हम एक ड्रॉ कर लेते हैं लेट ए बी सी डी इज या रोम्बस एंड वट इज याोम्बस ज अपोजिट साइड्स आर पैरल एंड इक्वल सो ऑल साइड्स आर इक्वल अपोजिट के साथ साथ ऑल साइड्स भी हमारी इसमें क्या होती है इक्वल होती है और पैरेलल होती है सो so, इसके लिए हमें इसके डायगेनल्स भी ड्रॉ करने होंगे लेट ए सी एंड बी डी आर द डायनल्स विच आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओ और फिर हमें प्रूव क्या करना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर मीनस इस रोमबस की साइड्स के स्क्वायर का सम इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर मतलब डायगनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा ये हमें प्रूव करना है तो इसके लिए हम रोमबस के जो डायगनल्स की प्रॉपर्टी होती है क्या द डाइगनल रोम्बस बायसेकट ईच अदर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं मतलब ए सी के इक्वल होगा और डी ओ ओ बी के इक्वल होगा एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर और ये परपेंडिकुलर भी होते हैं अब पपेंडिकुलर होते हैं इट मीन्स कि आपको यहाँ पर चार राइट ट्रैंगल्स मिलेंगे दिस वन ए बी बी ओ सी सी ओ डी एंड डी ओ ए दिस फोर राइट ट्रैंगल्स आदि और हमें साइड्स का स्क्वायर चाहिए फिर उनका सम करना है तो आप देखेंगे कि ये जो साइड्स हैं इस रोहमबस की ये इन राइट ट्रैंगल्स के हाइपोटेनियस हैं तो अभी हम इन चारों ट्रैंगल में यदि पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो इन चारों साइड का स्क्वायर हमें मिल जाएगा सो वी विल डू द सेम यही हम करेंगे इन ट्रैंगल ए ओ बी बी ओ सी सी ओ डी एंड ए ओ डी क्या करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इस ए ओ बी ट्रैंगल में हमने लगाया नेक्स्ट हम लगाएंगे बी ओ सी में तो यहाँ से मिलेगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर सिमिलरली सी डी स्क्वायर एंड सिमिलरली ए डी स्क्वायर नाउ वी हैव द फोर इक्वेशंस अब हमें क्या करना है सा, इसकी साइड्स के स्क्वायर का सम चाहिए तो अगर हम इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में इस रोम्बस के साइड्स के स्क्वायर का सम मिल जाएगा तो वही हम करेंगे एडिंग ऑल दीज इक्वेशन क्या मिलेगा हमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू और अगर आप यहाँ राइट हैंड साइड में देखेंगे तो ये सब डबल डबल हो जाएंगे जब हम इन सबको एक जगह ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर यहाँ से मिलेगा और ए ओ स्क्वायर यहाँ से मिलेगा तो टू ए ओ स्क्वायर हो जाएगा ऐसे ही यह ओ बी स्क्वायर है और यह बी ओ स्क्वायर है ओ बी स्क्वायर बी ओ स्क्वायर एक ही बात है तो टू ओ बी स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा ऐसे ही टू ओ सी स्क्वायर और ये टू ओ डी स्क्वायर और अगर हम उसमें से टू कॉमन लें तब क्या बचेगा हमारा ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर अब देखिए एक तरफ हमारे यहाँ पर जो हमें चाहिए सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ एमबस ये तो हमें मिल गया अब ये हमें किसके इक्वल करना है डायगनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल लेकिन ये हमारे पास ए बी ओ सी और ओ डी दीज आर नोट द डायगनल्स बट दीज आर द पार्ट्स ऑफ द डायगनल डायगनल्स के पार्ट हैं तो इनसे इन्हें हम पूरे डायगनल में कन्वर्ट कर सकते हैं ए ओ क्या है ये ए यहाँ से यहाँ तक है और चूंकि बाइसेक करता है से एक दूसरे को तो इक्वल टू वन पॉइंट टू ए सी होगा ऐसे ही ओ सी भी वन पॉइंट टू ए सी होगा तो इन ए और ओ सी की जगह हम क्या रख सकते हैं वन पॉइंट टू ए सी ऐसे ही ओ बी और ओ डी को हम रिप्लेस कर सकते हैं वन पॉइंट टू बी डी से तो ए सी और बी डी हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और जब उन्हें हम सिम्प्लीफाई करेंगे तो रिलेशन वही प्रूव होगा जो हमें करना है नवे रिप्लेस ए ओ स्क्वायर ओ बी ओ सी ओ डी विद ए सी अपन टू बी डी अपन टू एंड ए सी अपोन टू बी डी ए पंट टू चूँकि ये चारों जो यहाँ पर थे वो क्या थे डायगनल्स के पार्ट थे तो उन डाइगनल्स के पार्ट को हमने डायगेनल से रिप्लेस कर दिया सो so, अभी आप देखेंगे ए सी स्क्वायर अपोन टू पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा क्यों डायगेल्स बायसेकट ई चदर इसलिए हमने ओ ए की जगह ए सी अपॉन टू रखा और ओ बी की जगह बी डी अपन टू ऐसे ही ए सी एप टू और बी डी एन टू अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए सी स्क्वायर अपॉन फोर सिमिलरली बी डी स्क्वायर अपॉन फोर ए सी स्क्वायर अपॉन फोर एंड दिस बिकम्स बी डी स्क्वायर अपॉन फोर अब अगर हम इनका एल्शियम लेकर इन्हें ऐड करेंगे तब ऊपर ये चारों ऐड हो जाएंगे चूंकि एल्शियम हमारा कॉमन है डाइनोमिनेटर कॉमन है तो एल्शियम वही हो जाएगा अब यहाँ से देखेंगे आप तो ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर टू ए सी स्क्वायर एंड बी डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर टू बी डी स्क्वायर तो टू फिर से कॉमन लिया जा सकता है और वो टू इस टू से मल्टीप्लाई करेगा फोर और वो फोर इस फोर को कैंसिल कर देगा देखिए टू हमने कॉमन लिया तो इस टू से इस टू कैंसिल करें और फिर इस टू से इस टू को कैंसिल कर दें तो क्या मिलेगा हमें ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर एंड वाट आर दीज दीज आर द डायगनल्स और यह क्या है कंप्लीट डाइगनल्स के स्क्वायर का सम और यह क्या रहे हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में साइड स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ द रोहबस सो यही हमें प्रूव करना था किसी भी रोहबस के साइड्स के स्क्वायर का सम उसके डायगेल के स्क्वायर के सम के बराबर होता है सो दिस इज द थिंग विच वी हैव टू प्रूव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रेंगल ए बी सी कोई ए बी सी एक ट्रेंगल है और ओ इंटीरियर में ये पॉइंट है ओ डी पर्पेंडिकुलर टू बी सी ये ओ डी परपेंडिकुलर है बी सी पर एंड दिस ओ ई इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए सी एंड दिस एफ मीन्स ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी मीन्स ये तीनों इन तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर है वी हैव टू शो दैट क्या शो करना है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर सो इसके लिए हम क्या करेंगे इसमें एक हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी क्या ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी हम इस ओ ए ओ बी और ओ सी को ज्वाइन कर लेते हैं चूंकि ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर चाहिए तो वो कब आएगा जब हम ओ सो ज्वाइन करेंगे सो जस्ट वी ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी इन तीनों को हमने ज्वाइन किया तो अब आप यहाँ पर देखेंगे ये चूंकि पेंडिकुलर्स हैं तो हमारे पास ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस टेंगल के अंदर सिक्स राइट ट्रैंगल्स हमें दिखाई देंगे एक टैंगल हमारे पास ये बन रहा है ए ओ एफ एक बन रहा है ए ओ ई अब हमें क्या चाहिए ओ ए स्क्वायर एंड ओ बी स्क्वायर देखिए ओ ए स्क्वायर मतलब इस स्क्वायर का इस साइड का स्क्वायर तो अगर हम इस टेंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं मीन्स ए एफ ओ इसमें तो हमें ए ओ स्क्वायर मिल जाएगा हाइपोटेनियस है इस राइट ट्रैंगल का ए ओ स्क्वायर इक्वल होगा ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर तो देखिए ए एफ स्क्वायर भी हमें चाहिए और ओ एफ स्क्वायर भी हमें चाहिए मतलब यह है क्या है रिलेशन है इन साइड्स के बीच तो इस ट्रैंग में यदि हम लगाते हैं तो इसकी तीनों साइड्स इस रिलेशन में हैं लेकिन ए ओ स्क्वायर तो इस ट्रैंगल से भी आ सकता है ए ओ ई से तो इसमें क्यों नहीं लगा रहे हम इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अगर इसमें से ए स्क्वायर लेते हैं तो वह किसके इक्वल आएगा? OE ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर तो हमें यहाँ पर ओ ई स्क्वायर तो चाहिए लेकिन ए ई स्क्वायर नहीं चाहिए क्या चाहिए ए एफ स्क्वायर तो फिर किस में लगाना पड़ेगा हमें ए ओ एफ में ऐसे ही ओ बी स्क्वायर हमें दो ट्रैंगल से मिलेगा इन दोनों से तो इनमें से किस में लगाना यह भी हम इसी तरीके से देखेंगे हमें बी डी स्क्वायर चाहिए तो बी डी स्क्वायर कहाँ से आएगा यहाँ से तो हम इस ट्रैंगल में लगाएंगे अगर बी एफ स्क्वायर हमें चाहिए होता तो हम इस ट्रैंगल में लगाते सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रैंगल ए ओ एफ फर्स्ट ए ओ एफ में हम लगाएंगे तो हमें मिलेगा ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर क्लियर इसी में क्यों लगाया हमने इसमें क्यों नहीं लगाया उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट हमें क्या चाहिए ओ बी स्क्वायर चाहिए तो अब हम फिर से दो ट्रैंगल हमारे पास हम बी एफ ओ में लगाएं या बी डी ओ में लगाएं तो किस में लगाएंगे बी ओ डी में क्यों लगाएंगे क्योंकि हमें वहाँ से बी डी स्क्वायर और डी ओ स्क्वायर मिलेगा जिन दोनों की हमें यहाँ पर ज़रूरत है और यदि हम इसमें लगाते बी एफ ओ में तो हमें बी एफ स्क्वायर मिलता जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है सो दैट्स वाइज हमने बी ओ डी में लगाया थ्योरम तो मिला हमें ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर अब हमें तीसरी साइड और चाहिए ओ सी स्क्वायर तो फिर से हमारे पास दो ट्रैंगल में आ रही है ओ डी सी एंड ओ ई सी किस में लगाएंगे क्या चाहिए हमें सी ई स्क्वायर तो सी ई e इस ट्रेंगल में आ रहा है हमारा ओ ई सी में तो ओ ई सी में ही हम लगाएंगे सिमिलरली इन ट्रैंगल सी ओ वी गेट ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर अब देखिए हमें क्या चाहिए था एक बार फिर से बैक जाते हैं जस्ट है हमें चाहिए इन तीनों साइड का सम और ये तीन हमारे पास माइनस में है तो ये तीन जो आप माइनस में देख रहे हैं ये यही है ओ एफ स्क्वायर ओ डी स्क्वायर ओ स्क्वायर अभी हमने नेक्स्ट निकाला तो अगर हम इन तीनों इक्वेश्स को ऐड कर दें तो हमें यही रिलेशन मिलेगा जो ये हमें प्रूव करना है बस केवल ये हमारे तीन जो इधर माइनस में है ये हमारे राइट हैंड साइड में प्लस में होंगे तो हम इन्हें आगे ला सकते हैं सो so, यहाँ तक हम कर चुके थे नाउ एडिंग दीज इक्वेशंस व्हाट बी गेट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू दिस वन अब हमें इधर केवल क्या करना है जो ओ एफ स्क्वायर ओ डी स्क्वायर और ओ ई स्क्वायर है वो हमें यहाँ माइनस में चाहिए तो इन्हें हम यहाँ से सिंपली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं दिस साइड तो ओ डी स्क्वायर ओ ई स्क्वायर एंड ओ एफ स्क्वायर को हम इधर ले आए और जो इधर बचेंगे क्या ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर ये तीनों हमने यहाँ पर एज इट इज रहने दिए सो दिस इज अ थिंग विच वी हैव टू प्रूव यही हमें प्रूव करना था इन फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट में जो हमें प्रूव करना है वो इससे थोड़ा जस्ट आगे है आप इसी को अगर देखें ध्यान से तो उसमें जो हमें प्रूव करना है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर ये तो सेम है बस इक्वल यहाँ पर हमें कुछ और लाना है तो वो क्या हमें प्रूव करने के बाद फिर से पीछे चलते हैं देखिए ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर मतलब ये तो सेम ऐसे ही है जो हमने पहले प्रूव किया था इसका जो हमारा ये राइट हैंड साइड है ये तो हमारा सेम है एजेट यहाँ पर है लेकिन इसकी जगह हमें क्या करना है ये ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर ये लाना है तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा ओ ए स्क्वायर एंड माइनस ओ ई स्क्वायर अगर मैं इन दोनों को पास रख दूँ ओ ए स्क्वायर एंड माइनस ओ ई स्क्वायर तो यहाँ से इस टेंगल का यूज़अप होगा जिसका हमने पहले नहीं किया था ए e का इसमें अगर हम ए ई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो क्या मिलेगी हाइपोटेनस के स्क्वायर में से साइड का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा ए ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर ए स्क्वायर या ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर ये दोनों तो इसकी जगह हम क्या कह सकते हैं ए ई स्क्वायर जो हमें ये चाहिए ऐसे ही अगर ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा बी एफ स्क्वायर ये देखिए यहाँ पर है तो ये जो तीन और छः यहाँ पर ये टर्म्स हैं इन तीनों को इन तीनों के साथ हम असेंबल करेंगे तो हमें ये ए सी डी और बी एफ के इनके स्क्वायर मिल जाएंगे तो हमें यही करना है इससे एक स्टेप आगे जाना है जो हमने इसमें प्रूव कर दिया था सो फ्रॉम द अबव रिजल्ट वट बी डू ये जो हमारी राइट हैंड साइड थी इसको जस्ट हम केवल लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और इधर हमने यहाँ पर पेयरिंग कर ली ओ ए स्क्वायर के साथ हमने ओ ई स्क्वायर को रख लिया ओ सी स्क्वायर के साथ ओ डी स्क्वायर को चूँकि कम्यूटेटिव होते हैं इन्हें हम कहीं भी इनके टर्म्स को किसी के पास भी रख सकते हैं सो प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर अब ये ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर क्या है ए ई स्क्वायर और ये ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर क्या है सी डी स्क्वायर और ये ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर क्या है बी एफ स्क्वायर थ्योरम का यूज कर रहे हैं हम सो दिस इज द थिंग विच वी हैव टू प्रूव इन सेकेंड पार्ट ये हमें सेकेंड पार्ट में प्रूव करना तो होप यू आर नाउ एबल टू डू दिस आपको समझ में आया होगा कि हमने किस तरह से पाथागोरस थ्योरम का यहाँ पर यूज़ किया है टू प्रूव दीज रिलेशंस इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ओवर अनदर एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस एंड कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम तब तक के लिए आप इनको प्रैक्टिस करें जब तक आप इनकी एक दो बार खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप ये नहीं समझें कि आप इन्हें एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से कर पाएंगे प्रैक्टिस जरूरी है जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इन प्रॉब्लम्स के साथ साथ जो नई प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी उन्हें भी आप सॉल्व करने में अवेल हो पाएंगे उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल पर नए हैं तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद आप बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल सकें